सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टली एक्सरसाइज 14.1 पे आएंगे बिकॉज इट्स एन ईजी एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन मीन ऑफ अ डेटा। तो अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, तो कितने हाउसेज है जिनमें 0 से लेकर 2 इतने प्लांट्स हैं। सो दैट इज दैट काउंट इज 1 एंड 2 to 4 इट इज़ 2। मतलब एक घर में 2 से 4 पेड़ हो, ऐसे कितने घर थे? 2। 4 to 6 ट्रीज हो या प्लांट्स हो, ऐसा एक घर था। तो ऐसा डेटा दिया हुआ है 12 to 14 प्लांट्स, सच नंबर ऑफ हाउसेस आर 3। तो हमको इसका मीन निकालना है, इस डेटा का मीन। सो दिस इज़ द डेटा दैट इज़ गिवन टू अस। तो ऐसे टाइप के डेटा में पहले आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। ये जो इंटरवल्स है इनका क्लास मार्क, तो इसका क्लास मार्क है इनका एवरेज, सो दैट इज़ 1। इसका क्लास मार्क है इसका एवरेज, दैट इज़ 3। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, 11 एंड 13। और ये वैल्यूज़ हैं एक्स आई की ये वैल्यूज़ है। सो दिस विल बी X1, दिस विल बी X2, X3, X4, X5, X6 एंड दिस इज X7। सिमिलरली दिस विल बी F1, F2, F3, F4 अप टिल F7। तो जो मीन है, डेटा का मीन निकालने का जो फॉर्मूला है X bar, इट इज X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस सो ऑन अप टिल X7 F7 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टिल F7। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज़ समेशन XiFi डिवाइडेड बाय समेशन FiFi। यहाँ पे i goes from 1 to 7। तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 into 1 1 प्लस 3 into 2 6 प्लस 5 into 1 5 प्लस 7 5 35 प्लस 6 9 54 प्लस 2 into 11 22 प्लस 3 into 13, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 13, करेक्ट, क्लास मार्क इज 13। सो 13 3 39 डिवाइडेड बाय समेशन FI, फ्रीक्वेंसी इसका सम। अब ये तो 20 प्लांट्स है, ये दिया हुआ है, स्टिल अगर आप इसको काउंट करके देखो दिस इज 20। ये वाला जो काउंट है ये नंबर ऑफ प्लांट्स का काउंट है। तो 6 + 3 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 17 18 19 20, सो डिवाइड बाय 20। तो ये अगर आप नंबर कैलकुलेट करो ये कितना आएगा, नाउ 39 प्लस 1 दैट इज़ 40, यहाँ पे आएगा 45, 45 प्लस 35 80, तो यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है दैट इज़ 80 प्लस, उसके बाद आप 54 और 6 को ऐड करो दैट इज़ 60, 60 प्लस 22 दैट इज़ 82 बाय 20 विच इज़ इक्वल टू, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ पे आ जाएगा 81/10 विच इज़ 8.1 इज़ द रिक्वायर्ड मीन। अभी हम लोग काम करेंगे इसी डेटा में, ये मीन का वैल्यू निकालेंगे एक मेथड से, दैट इज़ अज्यूम्ड मीन मेथड। सो दिस इज़ द डेटा। अब हम लोग इसका जो मीन है अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। उसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो क्लास मार्क के वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें से या जो डेटा पॉइंट्स है, और ये तो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप क्लास मार्क में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसको पकड़ना है। तो यहाँ पे 1 3 5 9 11 13, तो यहाँ पे ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है 7, ठीक है, तो इसको हम लोग ए कंसिडर करेंगे, दिस इज़ द अज्यूम्ड मीन। मतलब हम लोग मानेंगे कि
इस डेटा का जो मीन है वो 7 है। अब इतना सिंपल तो होगा नहीं, हमको एक्चुअली वो जो 8.1 आंसर है वहाँ तक पहुँचना है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो भी डेटा है उसका 7 से सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। तो 1 माइनस 7 इज -6, 3 माइनस 7 इज -4, 5 माइनस 7 इज -2, 7 का खुद से सब्ट्रैक्शन आएगा 0, फिर 9 माइनस 7 इज +2, 11 माइनस 7 इज +4, 13 माइनस 7 इज +6। तो अब जो हम लोग वैल्यूज़ लेंगे x के वो ये वाले लेंगे, ये x1, ये x2, x3, x4, x5, x6, x7, ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ f1, f2, f3, f4, f5, f6, f6 एंड f7। ये भी आप कर सकते हो, ये x के वैल्यूज़ है, ठीक है, ये x के वैल्यूज़ है और ये हमने डिफरेंस निकाला है ना, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस डिफरेंस, तो इसको हम लोग d लिखेंगे। सो दिस इज़ लाइक, दिस इज़ x1, x2, x3 अप टिल x7 एंड दिस विल कॉल इट एज di, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7। तो अज्यूम मीन मेथड लगा के मीन निकालने का जो तरीका है इट इज़ लाइक दिस, एक्स बार इज अज्यूम मीन, लिख दो a, फिर लिखो समेशन difi। अब मीन निकालने के लिए, नॉर्मल मीन निकालने के लिए क्या करते हो, xifi लिखते हो। अभी आपको ये जो डेविएशंस है difi डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अज्यूम मीन कितना है, 7 प्लस difi, तो d1f1 ये फ्रीक्वेंसी है, d1f1, तो -6 × 1 -6, फिर -4 × 2 यहाँ पे आएगा -8, फिर -2 × 1 -2, फिर 0 × 5 0। हम लोग अभी ये वाला जो टर्म है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर 2 × 6 12, 4 × 2 8 प्लस 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय समेशन fi, फ्रीक्वेंसीज का सम तो हमको पता ही है, दैट इज़ 20। अच्छा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कि इसका यूज़ क्या है, बट जब डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या होगा कि ये 6 × 3 एंड -6 × 1, तो 6 6 कॉमन निकल के ये कैलकुलेशंस बड़े इजी हो जाते हैं। तो दो टर्म्स क्या होते हैं इसमें, क्लब हो जाते हैं और डेफिनेटली एक टर्म ज़ीरो आता है। तो बिकॉज ये ज़ीरो आता है, दो दो टर्म्स क्लब करके आप कैलकुलेशंस लगाते हो, तो कैलकुलेशंस इससे क्या हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं, विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस। अब यहाँ पे देखो क्लब करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, 18 - 8 दैट इज़ 10, फिर यहाँ पे 12 - 2 दैट इज़ अगेन 10 एंड यहाँ पे 8 - 6 इज़ +2 बाय 20 विच इज़ 7 प्लस। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 + 10 इज 20, 20 + 2 इज 22, 22/20, सो दैट इज 7 प्लस 11/10 विच इज 7 + 1.1 विच इज 8.1। सो दिस इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस of children of a locality, the mean pocket allowance is ₹18, find the missing frequency f, इसमें से missing frequency हमको निकालनी है। सो यहाँ पे देखो ये क्लास इंटरवल्स हमारे पास दी हुई हैं इसके जो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क इट इज़ 12, ये इनका एवरेज होता है, यहाँ पे आएगा 14, 16, 18, 20, 22, 24। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड हमको यहाँ पे लगाना है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म्स ऊपर है, 1 2 3 3 टर्म्स नीचे है, तो दिस इज़ द अज्यूम्ड मीन ए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, di डिफरेंस के वैल्यूज़ निकालेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, ये माइनस ये -6, 14 - 18 -4, ये माइनस ये -2, 18 का 18 से सब्ट्रैक्शन 0, 20 का 18 से सब्ट्रैक्शन 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 और फिर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है fi। तो इस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 769
एंड एफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ हमको निकालनी है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 13 है, उसके बाद यहाँ पे एफ है और यहाँ पे लास्ट में है 5 एंड 4। तो ये डेटा है हमारे पास, अज्यूम मीन है, डिफरेंसेस है, फ्रीक्वेंसी है और इस डेटा का मीन दिया हुआ है 18। सो 18 इज इक्वल टू आएगा अज्यूम मीन ए प्लस समेशन डी आई एफ आई बाय समेशन एफ आई। और ए का वैल्यू आप अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 18 प्लस ना उसी डी आई एफ आई। डी आई एफ आई यहाँ पे क्या आएगा, -6 × 7। अब यहाँ पे 6 × 4 भी है, चलो मैं एक इस सम के लिए ना पूरा डेटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा -6 × 7 प्लस -4 × 6 प्लस -2 × 9, 0 × 13, ये कैंसिल आउट होगा, 2 × f फिर आएगा प्लस 4 × 5 एंड लास्ट में आएगा 6 × 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। एफ आई फ्रीक्वेंसी इसका सम, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 13 + 7 = 20, 20 + 6 = 26, 26 + 9 = 35, 35 + 5 = 40, 40 + 4 = 44, 44 + f, तो ये डेटा आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 18। अब देखो स्मार्टली हमको यहाँ पे टर्म्स को पकड़ना है, इस टर्म को ऑब्जर्व करो, 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, तो अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करो 6 × तो यहाँ पे आएगा -7 + 4 दैट इज़ -3। फिर हम लोग इस टर्म को पकड़ेंगे एंड इस टर्म को पकड़ेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा -6 + 5 दैट इज़ -1। फिर इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे तो एफ अननोन टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, ये है 9 × 18, तो यहाँ पे आएगा -18, यहाँ पे आएगा +2f डिवाइडेड बाय 44 + f। नाउ यहाँ पे हमने अज्यूम मीन मेथड लगा दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेफ्ट साइड पे भी 18 है, देखो यहाँ पे भी 18 है, तो दोनों तरफ का जो 18 18 है वो कैंसिल आउट होगा एंड यू हैव 0 = 0 + ये 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाले टर्म्स, तो यहाँ पे आएगा 6 × 3 = 18, माइनस साइन है इसलिए -18, -4, -18 + 2f डिवाइडेड बाय 44 + f, ये 44 + f यहाँ पे शिफ्ट होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 = -18, -4, -18 + 2f, यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी आएगी, 18 + 18 + 4 विच इज़ 40, 2f का वैल्यू 40 है, तो f का वैल्यू 20, सो द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज़ 20। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। अ क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एबसेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। सो नाउ दिस इज़ द डेटा दैट इज़ गिवन टू अस, दिस इज़ क्लास इंटरवल एंड क्लास मार्क पहले निकालते हैं। सो क्लास मार्क वो होगा इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 17, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 33 एंड यहाँ पे आ जाएगा 39 एंड दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो है ये वाली 17, तो इसको हमने अस्यूम्ड मीन पकड़ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डी आई निकालते डेविएशंस, तो 3 - 17 विच इज़ -14, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -9, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -5, ए का ए से सब्ट्रैक्शन 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेवन आ जाएगा, फिर 33 का 17 से सब्ट्रैक्शन इट इज़ 16 एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा
22 फाइन। तो डेविएशन हमारे पास आ गए, एटलीस्ट ये है कि इतने बड़े नंबर्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, रिलेटिवली ये छोटे नंबर्स हैं एंड स्पेशली यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है। तो मीन जो है इस डेटा का, इट इज़ अज्यूम्ड मीन 17 प्लस समेशन DIFI, तो ये DIFI को हमको मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू माइनस 14, फिर प्लस 10 इंटू माइनस 9, 7 इंटू माइनस 5, 4 इंटू 0 आ जाएगा, 7 इंटू 4, 3 इंटू 16 एंड प्लस 1 इंटू 22 डिवाइडेड बाय समेशन FI, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो उन्होंने बोला कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो 40 ही बनेगा। सो द रिक्वायर्ड मीन इज 17। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये दोनों डेटा 7 कॉमन है, माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस 1, तो इन दोनों का एडिशन आएगा माइनस 7। और किसको ग्रुप कर सकते हैं? सी ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस लगाते हैं, 16 थ्री ज़ा 48, 48 प्लस 22 70, तो यहाँ पे आएगा प्लस 70, तो ये वाला टर्म भी हो गया। अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट करना है, तो 11 इंटू माइनस 14, तो यहाँ पे आएगा माइनस 14 वन ज़ा 14, 14 वन ज़ा 14 प्लस 1 15, तो 154 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 90 डिवाइडेड बाय 40। सो दिस इज़ इक्वल टू 17 एंड अब यहाँ पे देखो ये तीन नेगेटिव टर्म्स है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 70, माइनस साइन कॉमन निकाल दो, ये तीनों का एडिशन देखो कितना आता है 251 बाय 40, सो विच इज़ इक्वल टू 17, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस इज़ 181 बाय 40 विच इज़ 17 माइनस 4.525 एंड विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन लगा के देखो, इट कम्स आउट टू बी 12.475 एंड पीछे आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही दिया है, इट इज़ 12.48। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज दिया हुआ है 35 सिटीज़ का, फाइंड मीन लिटरेसी रेट। तो 45 से 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 से 85, 85 से 95, ये फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 3, 10, 11, 8, 3। तो लिटरेसी रेट ये परसेंटेज है और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ सिटीज़ है। तो क्लास मार्क XI, XI की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको अज्यूम मीन A पकड़ लेंगे, तो DI निकालेंगे, डेविएशंस 50 माइनस 70 माइनस 20, ये माइनस ये माइनस 10, 70 का 70 से सब्ट्रैक्शन 0, ये माइनस ये 10, ये माइनस ये 20। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, मीन इस डेटा का होगा 70 अज्यूम्ड मीन प्लस DIFI का प्रोडक्ट और फिर उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिटीज़, 35 सिटीज़ है। फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप लगा के देखो, दैट इज़ 35, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू माइनस 20, 10 इंटू माइनस 10, 11 इंटू 0, 8 इंटू 10 एंड 3 इंटू 20। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे 3 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 कैंसिल आउट हो रहा है, सो द मीन ऑफ दिस डेटा इज 70 प्लस, अब यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस 100, 8 इंटू 10 प्लस 80 बाय 35, विच इज़ इक्वल टू 70 माइनस 20 बाय 35, ये आता है, विच इज़ 70
माइनस, ये 5 से डिविजिबल है, 5 फोर ज़ार 20, 5 सेवन ज़ार 35 विच इज़ 70 माइनस, ये अगर आप कैलकुलेट करके देखो इट इज़ 0.571, एंड अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन लगाओ इट इज़ 69.428। सो पीछे जो आंसर दिया इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 69.43%। सो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज वन है वो फिनिश होती है। कुछ सम्स मैंने छोड़ दिए, वो आप खुद से ट्राई करके देखना।